अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल व्लॉग एंड फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ सफ़ेद चने और चिकन की रेसिपी शेयर करेंगे। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, चिकन ले लिया है, सफ़ेद चने, मसाले, नमक, कोफ्ता मसाला एक चम्मच, कोरमा मसाला एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर एक चम्मच, एक छोटे साइज का टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को मैं यहाँ पर हल्का ब्राउन करूंगी। हमारा प्याज मैंने फ्राई होने के रख दी है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी। अब मैं इसको हल्का सा ब्राउन करूंगी, लहसुन अदरक को, फिर इसमें टमाटर डालूंगी। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर, कोरमा मसाला, कोफ्ता मसाला, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करूंगी। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने मसाले को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 20 मिनट भूनूंगी, फिर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगी। इसमें अब मैं आलू ऐड करूंगी। आप आलू स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें आलू भी ऐड करूंगी। अब मैं 10 मिनट और भूनूंगी। चिकन और आलू को हमने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें चने ऐड करूंगी। चने मेरे पहले से बॉईल थे, चने मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी मसाले में। चिकन हमारा तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।